देश की पहली ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। इसका उद्घाटन आज यानी 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत में परिवहन और यातायात के एक नए युग का आगाज भी हो जाएगा। आपको बताते हैं कि ये दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर चलने वाली है। क्या है ड्राइवरलेस मेट्रो की खासियत और कितना सुरक्षित होगा सफर, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन परिचालन सेवा और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने एक बयान जारी कर कहा कि नई पीढ़ी की इन रेलगाड़ियों के परिचालन से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC विश्व के उन 7% मेट्रो नेटवर्क के विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा जो चालक रहित परिचालन की सेवाएं दे रहे हैं। 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन के बीच चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर मजलिस पार्क और शिव विहार के बीच साल 2021 के मध्य तक चालक रहित मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। खासियत की बात करें तो आम मेट्रो ट्रेन की तरह ही ड्राइवरलेस ट्रेन में भी 6 कोच होंगे। हालांकि इसमें कई एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ड्राइवरलेस ट्रेन की रफ्तार अधिकतम 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ ये अपना सफर शुरू करेगी। अब बात करते हैं कितना सुरक्षित होगा सफर। दिल्ली मेट्रो ने एक बयान में कहा कि चालक रहित ट्रेनें पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगी जिसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा। वहीं मानवीय त्रुटियों की आशंकाएं भी कम होगी। मेट्रो का दावा है कि चालक से एक बार गलती हो सकती है मगर चालक रहित मेट्रो से किसी भी दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। बताते हैं कि परिचालन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें ट्रेन के परिचालन से लेकर सिग्नल सिस्टम तक जारी रहेगा। अगर कभी भी सिग्नल की समस्या आती है तो उसकी सूचना सीधे कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। वहीं अगर ट्रैक पर किसी तरह की खराबी भी आती है तो वो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि ट्रेन के दोनों तरफ हाई एंड CCTV कैमरा लगाया जाएगा। इसके जरिए मेट्रो ट्रेन के आगे की लाइव फुटेज सीधे कंट्रोल रूम में देख सकेंगे। ट्रेन के अंदर लगे कैमरे की लाइव फुटेज भी कंट्रोल रूम में जाएगी। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सीधे यात्री कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति से वीडियो चैट कर सकता है, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जैसा कि बताया कि पीएम मोदी आज एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का उद्घाटन करेंगे। इस सेवा के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पूरी तरह से लागू होने से देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल यात्रा के जरिए किया जा सकेगा। ये सुविधा दिल्ली मेट्रो के समूचे नेटवर्क पर साल 2022 तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।